कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे यानी कि मठरी, जो मैदे से बनती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, बस आज कुछ ट्रिक के साथ मैं बताती हूँ आप लोगों को, जिसे सॉफ्ट और काफ़ी क्रंची बनेगी। वरना काफ़ी लोग बनाते हैं तो टाइट भी हो जाती है या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो देखिए मैं किस ट्रिक के साथ आप लोगों को मठरी बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ज़रूर, और बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदे को अच्छे से चलनी में चाल लिया है, और मैदा मेरा करीब 800 ग्राम तक है, और तक करीब पानी लिया है, और नमक स्वाद अनुसार है, और करीब 150 ग्राम तक मेरा ऑयल है, ये 1.5 चम्मच अजवाइन है। तो आप लोग अपने अंदाज से ले लीजिए, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। और पहले फिर मैं अजवाइन और नमक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे मैं आप देखिए मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला। बेकिंग सोडा खाने डालने से क्या है, मठरी का यानी नमक पारे का स्वाद अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो नमक पारों में मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है, और ऐसे ही अच्छे से आटे को लगाना है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। जब तक मैं ये आटे को मैं हाथ में लेके देखूंगी, ये मुट्ठियाँ ना बनने लगे कि मतलब आटा निकल नहीं रहा है। हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि आटा हमारा बंध रहा है, तो समझ लिया हमारा ऑयल एकदम ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो ये देखिए मेरी मुट्ठियाँ यहाँ पे बंध रही हैं आटे की। तो यही एक ट्रिक है कि इससे आपका मुयर ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, तो ना तो ऑयली लगेगी आपकी मठरियाँ, बहुत अच्छी बनेंगी। और यहाँ पानी आपको धीरे धीरे करके डालना है, एक बार की पानी सारा नहीं डालना है, वरना आटा हमारा गीला हो जाएगा जो हम डो तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके डालिए, तो एक पूड़ी के जैसा आटा हमको इसका लगाना है। और मैदे को हमको खूब अच्छे से मसल मसल कर ही इसको सॉफ्ट डो इसका तो एकदम तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आटा देखिए मेरा तैयार हो गया है, लग गया है। तो अब मैं इसको ढक के दूसरे बर्तन में 10 मिनट के लिए करीब छोड़ दूंगी, ताकि मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए। और ये देखिए 10 मिनट बाद मेरा आटा अच्छे से फूल भी गया है। इसे फिर मैं दोबारा से मसल लूँगी अच्छे से, और फिर मैं एक चपाती के बराबर लोई लेकर फिर उसको बेल लूँगी बिल्कुल चपाती की तरह। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पतला बेलने की, वरना क्या है अगर हलवाई की जैसे बनाना है तो इसको पतला ही बेलिए, तो ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और आपका टाइम भी नहीं लगेगा ऑयल ज़्यादा उसमें फ्राई करते समय, और क्रिस्पी भी बनती है फिर। तो अगर बेलते समय दिक्कत हो तो थोड़ा सा आटा आप सूखा लगा सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे लगाया है। तो अब इसको आप मनचाहे आकार में इसको काट लीजिए आप लोग, जैसा भी आप शेप काटना चाहते हो।
और फिर इसे दूसरी थाली में निकाल लीजिए। अब पहले सारी मठरियों को हम इसी तरह बेल के कट करके रख लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे तो हमारे गैस की भी बचत होगी, और अगर हम एक एक करके इस तरह करते रहेंगे तो आज गैस भी हमारी काफ़ी वेस्ट होगी। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से बेल के इसका कट, जो भी शेप में आप कट करना चाहते हैं इसको कट कर लीजिए, फिर आप फ्राई करिए। आपको भी आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी बनाने में, और मठरियाँ चिपक ज़रूर जाती हैं उस समय, लेकिन आप फ्राई करेंगी तो उस समय मठरियाँ आपस से एक दूसरे से ऑयल की वजह से निकल जाती हैं, वो चिपकी नहीं रहती हैं। तो वैसे तो सभी लोगों को आती भी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आती है, तो ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है कुकिंग में बनाना कुछ भी, और वो चाहते हैं घर पे ट्राई करना, तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है। वैसे मठरियाँ तो सभी को अच्छी लगती हैं, आप लोग बताइए आप लोगों को अच्छी लगती हैं। भैया मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं मठरियाँ बना, इसलिए बना भी रही हूँ मैं, तो कभी भी बनाती भी रहती हूँ। और आप लोग बताइए कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इसको। तो फिर इस तरीके से आप ऑयल कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम करके, अच्छे से गरम हो जाए तो आप इसमें मठरियाँ सारी डाल लीजिए थोड़ी थोड़ी करके, और फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ मैंने एक साइड की एक लोई के करीब निकाल ली है मैंने फ्राई करके, और ब्राउन हो जाए और मीडियम आंच पर ही हमको इसको फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो मठरियाँ ऊपर से तो जल जाएंगी, लगेगा कि बहुत तेज़ हो गई हैं, लेकिन अंदर से वो कच्ची रहेंगी, वो अच्छी नहीं बनेंगी मठरियाँ आपकी। तो इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम करिए और थोड़ा पेशेंस से बनाइए तो अच्छी बनेंगी मठरियाँ आपकी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी मठरियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो देखिए मेरी मठरियाँ हो गई हैं तैयार। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रंची बनी है, मैं इसका आपको देखो आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को, आई ना कितनी क्रंची भी है और सॉफ्ट भी है। देखिए मेरे टूटने से इसे आराम से टूट भी जाती है। तो बस आप लोग भी इसी तरह बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।